जिंदन पॉलीफिल्म की मैं बात करूँ तो आज के दिन 20% की अपर सर्किट देखने मिल रही है और इतनी अच्छी तेजी इसके पीछे के रिजल्ट की मैं बात करूँ, इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ तो जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी एक इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो आज के दिन की इतनी अच्छी तेजी इसके पीछे के रिजल्ट की मैं बात करूँ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस वो देखने मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर 492 करोड़ का देखने मिल रहा है। एक साल पहले 2021 की मैं बात करूँ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 230 करोड़ का देखने मिल रहा था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिक के ऊपर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। तो इसी वजह से हमें आज के दिन की इतनी जो 20% के अपर सर्किट है वो देखने मिल रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँ गेल इंडिया के अंदर आज के दिन की 5 से 5.25% की गिरावट देखने मिल रही है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है वो आया हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिक के ऊपर 18% की गिरावट देखने मिल रही है। इस क्वार्टर की मैं बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 2683 करोड़ का देखने मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर की मैं बात करूँ तो 3288 करोड़ का प्रॉफिट देखने मिल रहा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिक के ऊपर 18% की गिरावट देखने मिल रही है, इसी वजह से हमें आज के दिन की 5% की गिरावट देखने मिल रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इंडिया सीमेंट के अंदर आज के दिन की 3 से 3.5% की गिरावट देखने मिल रही है। और इतनी बड़ी जो गिरावट है इसके पीछे के रीजन की भी बात करो तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया हुआ है, इस क्वार्टर की भी बात करो तो नेट लॉस देखने मिल रहा है 24 करोड़ का अगेंस्ट द 71 करोड़। लास्ट ईयर मार्च 2021 के अंदर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 71 करोड़ का देखने मिल रहा था और इस क्वार्टर के अंदर 24 करोड़ का लॉस देखने मिल रहा है। तो हमें इसी वजह से हमें आज के दिन की जो गिरावट हुई है वो देखने मिल रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँ PSP प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, लगभग 7.5% की तेज़ी देखने मिल रही है। और इतनी अच्छी तेज़ी इसके पीछे के रीजन की मैं बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया हुआ है, नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो इस क्वार्टर के अंदर 55 करोड़ का प्रॉफिट देखने मिल रहा है अगेंस्ट 41 करोड़। एक साल पहले मार्च 2021 के अंदर 41 करोड़ का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर के अंदर 55 करोड़ का प्रॉफिट देखने मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिक के ऊपर 32% की ग्रोथ देखने मिल रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँ एंटोनी वेस्ट के अंदर आज के दिन की 20% की अपर सर्किट देखने मिल रही है और इतनी अच्छी तेज़ी इसके पीछे के रीजन की मैं बात करूँ तो कंपनी के पास एक ऑर्डर है 124 करोड़ का ऑर्डर बुक हुआ है फ्रॉम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नासिक से। तो इसी वजह से हमें आज के दिन की जो इतनी अच्छी तेज़ी है वो देखने मिल रही है।